देखिए अज्ञान होता है क्या है कि सहज परिस्थिति में भी आपको गलत कार्य करवा दे तुरंत, तो वो अज्ञान के कारण ही होता है। अब देखिए ये जानने की कोशिश करें कि ज्ञान और अज्ञान होता कहाँ है। सर्वप्रथम देखिए ज्ञान होता है आपके भीतर, अज्ञान भी आपके भीतर ही है मान के चलिए। अब अज्ञान क्या है, देखिए अज्ञान क्या है उसको मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ कि कभी आप राह चलते हैं, कहीं जा रहे हैं, सामने दो बदमाश खड़े हैं और आपसे छेड़छाड़ कर रहे हैं, आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ज्ञानशील होंगे यानी आप में कुछ बोध होगा किसी चीज़ का, विवेक होगा, तो आप क्या करेंगे कि क्या क्या कारण है सर्वप्रथम कि आप मुझे मार रहे तो क्या कारण है। तो ऐसा तो है नहीं कि उस समय आप तुरंत ही उनसे जा लड़ भिड़ेंगे, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने लग जाएंगे जैसा वे आपके साथ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं। तो सर्वप्रथम आप उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे क्या कारण है, क्योंकि आप में इस चीज़ का ज्ञान है कि कोई ना कोई कारण तो होगा जब ये मुझे मार रहे हैं या फिर मुझसे कुछ लड़ाई करने की, हाथापाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसमें देखिए ज्ञान यही होता है कि जो आपके भीतर से उभर कर आए और आपके मुख के द्वारा वो बाहर निकलता है तुरंत उसी अवस्था में। अब देखिए और अज्ञान क्या है, अज्ञान वह होता है जो आपको तुरंत गलत कार्य करवा दे, जैसे कि वे मारने लग रहे हैं तो आप ही क्रोधावस्था में आके तुरंत ही उनको रिटर्न जवाब दे देते हैं, या हाथापाई करने लग गए आप उस जगह उनके सामने, आप सोच विचार नहीं करते उस समय, क्योंकि आपके अंदर जो बैठा विवेक होता है वह अभी विवेक जागृत नहीं हुआ पूर्ण रूप से, वह अभी सोया हुआ है, पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, वो अज्ञान अभी तक आप में उभर कर नहीं आया। इसलिए कहा जाता है कि सहज भाव संतों की संग करनी चाहिए, संतों के उपदेश सुनने चाहिए और अच्छी संस्कृति, अच्छी सभ्यता, अच्छे लोगों का संग रहना बहुत जरूरी है। अब ये देखिए ज्ञान आपके भीतर है, अज्ञान आपके भीतर है, अज्ञान भी आपके भीतर है। अज्ञान क्या हो गया कि अज्ञान है आपके भीतर, पांच इंद्रियों से आपके भीतर ये चलायमान है अज्ञान भी, यानी बेबस होकर, यानी पांच इंद्रियों के वश में आकर बेबस होकर आप तुरंत गलत कार्य कर देते हैं या गलत बोल जाते हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं, यानी सामने वाले का उपहास कर देते तुरंत, क्योंकि आप में अज्ञान है अभी हाल फिलहाल, वो पूर्ण रूप से ज्ञान में बदलानी है। देखिए जिस भी व्यक्ति में ज्ञान उभर कर आता है यानी ज्ञान का प्रकाश हो जाता है भीतर, है ना, तो ज्ञान का जब प्रकाश भीतर से उभरेगा तो मान के चलिए वो चारों तरफ आपके फैलेगा, आपके आसपास फैलेगा चारों तरफ, वैसे ही आपके लोग होने मित्र बनने लगेंगे, वैसा ही आपको माहौल और संस्कृति बनने लगेगी, ये ज्ञान के प्रभाव से होता है। अज्ञान तो आपकी इंद्रियों के वश में आके आपसे अज्ञान पूर्व कितने ही कार्य करवा दिए, और ज्ञान वही है जो आपके अंदर से निकले, अर्थात आत्मज्ञान उसको कहा जाता है। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, ना पुस्तकों में, ना धार्मिक ग्रंथों में, किसी भी प्रकार से आपको नहीं अर्जित होगा ये, भले ही आप धार्मिक किताबें पढ़े, ग्रंथ पढ़े, लेकिन जो आत्मज्ञान है वह आपके भीतर बैठा है और मनुष्य ने उस पर एक तरह का पर्दा लगाया हुआ है माया का। माया क्या है, माया जो सहज ही दिल को बहला दे, मन को विचलित कर दे तुरंत अवस्था में, है ना, यानी मार्ग भटका दे तुरंत ही, वह माया का रूप ही होता है किसी ना किसी रूप में। हटाया कैसे जाएगा, देखिए अज्ञान को हटाना सबसे बड़ी बात है कि अज्ञान को हटाना अपने अंदर से, उस अज्ञान को मिटाना, अज्ञान को मिटाना कैसे कैसे संभव है ये देखिए, ये संभव तभी हो सकता है जब आपका निश्चय दृढ़ हो,
यानी आपका संकल्प दृढ़ हो कि नहीं, मुझे इस अज्ञान से मुक्ति पानी है। देखिए, अज्ञानशील व्यक्ति के ना समाज में कोई कदर होती है, ना किसी प्रकार से उसको पूछा जाता है। अगर किसी परिस्थिति का जायजा भी लेना हो तो आपकी राय नहीं ली जाएगी वहाँ पर। तो क्यों नहीं ली जाएगी? क्योंकि आपने अपने आसपास में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर लिया है कि आपको वैसा ही समझा जाता है कि नहीं, ये तो बात बात में हंसी मजाक करता रहता है और उठपटांग से सवाल जवाब करता रहता है। तो आपकी इमेज एक तरह से डाउन हो गई वहाँ पर, आपका चरित्र उस प्रकार का नहीं बना पाए समाज में या संस्कृति में जो आपको चाहिए। अब देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए आपको सर्वप्रथम कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, अर्थात आपको मौन रहना पड़ेगा। मौन की अवस्था धारण करनी पड़ेगी। अकारण किसी बातों पर, किसी अकारण किसी भी परिस्थिति पर अपना सुझाव ना तो देना है, ना किसी प्रकार का लेना है। अपने आप को जितना हो सके उतना खाली रखें, अनावश्यक विचारों को बिल्कुल ना सोचे। जो आपके लिए आवश्यक है वही चीज पर विचार करें, उसी चीज को आप अपनाएं। इसके अलावा अपने आप को जानने के लिए थोड़ा सा समय निकाले, मेडिटेशन करें, ध्यान की अवस्था में बैठे, एकांत में बैठे, अपने भीतर बैठी उस चेतना को सही जगह सही दिशा दे ताकि वे परमात्मा को जान सके। क्योंकि आप है तो वैसे ही परमात्मा का अंश, आप एक आत्मरूपी हैं, वो परमात्मा से मिलना है। यही है सबसे बड़ा और आखिरी लक्ष्य, यही है मनुष्य की परमात्मा को मिल लेना, यानी ज्ञान का प्रकाश, ऊपर आत्मज्ञान हो जाना उस चीज का, कहने आई मेरे भीतर ही परमात्मा अंश बैठा हुआ है। तो ये फर्क जानना है आपको ज्ञान और अज्ञान में। अज्ञान देखिए, अज्ञान आपसे गलत कार्य करवाएगा। कैसे? जब तक आपको उस चीज का बोध नहीं होगा कि आपके अंदर परम तत्व है, तत्व बैठा है, तत्व विज्ञान आत्मज्ञान बैठा हुआ है, आपके भीतर परमात्मा का एक अंश है जो आपसे ही कार्य करवाता है कुछ ना कुछ। कि अगर अज्ञान होगा मनुष्य को तो वे मुख जुबानी गलत बोलेगा, क्रोधावस्था में मुख से गलत बोलेगा, नेत्रों से गलत दिशा अश्लील चीजों को देखेगा और गलत बातों को सुनेगा और अपने व्यवहार से कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश करेगा, किसी को गलत तरह से छूने की, किसी को गलत तरह से उस कार्य को गलत करने की कोशिश करेगा किसी भी प्रकार से। यह अज्ञान के कारण ही होता है जो भीतर बैठा होता है। इस अज्ञान को ज्ञान के माध्यम से काटा जाएगा, ज्ञान के माध्यम से इसको मिटाया जाएगा। कि इंद्रियों पे वश में करना है सर्वप्रथम, धीरे धीरे, बिल्कुल वश में करना तो नहीं होगा मगर धीरे धीरे इस चीज को वश में करना संभव है अभ्यास के माध्यम से। धीरे धीरे इसको ज्ञान के माध्यम से आप इस अवस्था में जा सकते हैं कि आपने उस चीज को जान लिया। देखिए, आपको पता है कि आप एक परमात्मा का रूप है, परमात्मा यानी एक आत्मा का रूप, परमात्मा का ही रूप है, यानी एक आत्मा रूपी है, आपके भीतर एक अंश बैठा हुआ है, वो तत्व बैठा हुआ है जो परमात्मा ने बनाया है, आपको भेजा है इस पृथ्वी पर। ये आपको अगर ध्यान रहता है तो ये मान के चले आपको पता है कि आप चारों तरफ परमात्मा है रूपी, सब संसार है परमात्मा की बनाई हुई चीज है, आप स्वयं परमात्मा का एक रूप है, तो आप ना तो गलत कार्य करेंगे, ना आपकी दृष्टि दूषित होगी, ना आपका सुनना गलत होगा और ना आपका बोलना गलत होगा कभी किसी भी प्रकार से। ये मान के चले हैं, ये अगर आप में सत्य प्रकाशित हो गया, ये सत्य ही है, अगर ये प्रकाशित हो गया तो आप किसी भी प्रकार का गलत कार्य करने से डरेंगे, बहुत ही गजब का डरेंगे आप कि नहीं, ये तो पाप के बराबर है, पाप तुल्य है, बिल्कुल भी नहीं करना गलत कार्य। इसलिए इस ज्ञान को ज्ञान
के अज्ञान को ज्ञान के द्वारा ही मिटाया जा सकता है, ये मान के चलिए। इस चीज का अगर आप फर्क समझने लग गए तो मान के चलिए आपकी चेतना एक सही दिशा में, एक चेतना बिल्कुल सही दिशा में जाने लगेगी, प्रभु को ढूंढने लगेगी, उसका मार्गदर्शन, उसके मार्गदर्शन से आप उस दिशा में जाने लगेंगे। इस चीज को माने आप। इसलिए गलत चीजों में और सही चीजों में आप फर्क का सही समझने लग जाएं, बहुत ही सोच विचार कर इस चीज का फैसला ले किसी भी चीज का, कि क्या करना है, किस परिस्थिति में क्या करना है। अपने ज्ञान को बिल्कुल संजोए रखें, उस पर किसी प्रकार का पर्दा ना डालें, माया का पर्दा ना डालें, मनमोहक चीजों से उसको अंधकार में ना डालें। इस चीज का आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। जब ज्ञान उभर का आता है तो मान के चलिए जो असत्य है वो भी सत्य हो जाता है, यानी उस असत्य को मिटा देता है। अधर्म है जो धर्म के मार्ग में आ जाता है, प्लस जो अंधकार में है वो प्रकाश में आ जाता है। ये ज्ञान और ज्ञान में फर्क है, यानी ज्ञान की एक तरह से बहुत ही गजब की पावर होती है, ये जो अज्ञान को भी ज्ञान में लेकर आ जाता है, यानी अंधकार को प्रकाश में लेकर आ जाता है और सही गलत को सही में तब्दील कर देता है। अधर्म अधर्मी को धर्म में तब्दील, यानी धार्मिक कार्य में शामिल कर लेता है। तो इतनी इसमें ताकत होती है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं, और आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय हो हमसे सवाल जरूर करें, उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। जब तक के लिए जय सियाराम, ओम नमो भक्ते वासुदेवाय।